रुदौली विधायक ने 250 असहाय व जरूरतमंदों को वितरित किया खाद्य सामग्री। क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने बुधवार को तहसील क्षेत्र के 3 जगहों पर लगभग 250 जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने लॉकडाउन का पूर्णता पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिना राशन कार्ड धारकों को बांटना शुरू हो गया है। ऐसे में जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों की मदद की जा रही है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार गरीबों व असहायों की मदद की जा रही है। गरीबों की मदद आगे भी जारी रहेगी। इस मौके पर सूजागंज में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, SDM विपिन कुमार सिंह, कानून गो विश्वनाथ सिंह, ग्राम प्रधान फगौली कुर्मियान आनंद कुमार गुप्ता, सुयागंज चौकी प्रभारी सुधाकर यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। अयोध्या से अंबिकानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। लेकिन इस बीच जानकारी में आया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो हम सभी लोगों ने खासतौर से अपने तहसील में उपजिलाधिकारी पूरी टीम ने हमने सबने बैठक करके तय किया कि जिनके पास नहीं है कोई राशन कार्ड, उनको हम लोग सबके सहयोग से जब तक उनका राशन कार्ड नहीं बनता तब तक उनको हम लोग राशन का इंतजाम करा दें। आज उसी क्रम में हम लोगों ने सैदपुर में करीब 150 परिवारों को, रौजा गांव में करीब 50 परिवारों को और यहाँ पर भी करीब 50 परिवारों को इस तरह का राशन वितरण किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब कल लॉकडाउन बढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। कानपुर के बर्रा क्षेत्र विश्व बैंक सी ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। सरकारी गल्ले की दुकान पर लगी है कतार। कोटेदान जानू खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही हैं। कोई प्रशासन नहीं दे रहा है साथ। कानपुर से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये आप 18 अप्रैल को तो इसके लिए आपने अपने अधिकारी से बात करी कोई? अधिकारी से बात की जाएगा अधिकारी जिले में कोरोना पॉजिटिव केस हुए 14। 13 अप्रैल को कोविड-19 जांच हेतु भेजे गए 65 सैंपल जिसमें 64 नेगेटिव, एक केस आया पॉजिटिव जिसे LA अस्पताल खैराबाद में किया गया शिफ्ट। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस हुए 14। सीतापुर से सिम नरेश पांडे की रिपोर्ट। सैंपलिंग करा करके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसका रिपोर्ट मंगाया जा रहा है। इसमें खैराबाद जो हॉट स्पॉट है, उस हॉट स्पॉट से जो तबलीगी जमात के लोग थे, जो 7 बांग्लादेश के, 1 आसाम के और उनके निकट संपर्क में रहे हुए 2 और लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हीं निकट संपर्कों में ही रहने वाले एक व्यक्ति और पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनको हालांकि क्वारंटाइन किया गया था लेकिन उन्हें अब खैराबाद में ही L1 कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा चुका है। सर कितने अभी तक थे? अपने जनपद में पहले 10 थे, फिर 3 विश्वास क्षेत्र में हुए और 1 और खैराबाद में हुए, तो इस प्रकार कुल 14 पॉजिटिव पाए गए। कानपुर में भी बढ़े कोरोना पॉजिटिव की संख्या, आधिकारिक रूप से हुई पुष्टि। में कई बच्चे रह रहे थे, इस तरीके के 51 बच्चे वहाँ थे और उसके साथ ही उनके सफाई कर्मी वगैरह की जांच हम लोगों ने की थी। उसमें से 8 बच्चे कोरोना ग्रस्त पाए गए जिनको हमने उपचार के लिए सरसों CHC में रख लिया है और वहाँ उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। उसके साथ 6 लोगों को हमने क्वारंटाइन में नारायणा अस्पताल में रखा है और उनका वहाँ पे तब तक रखें जब तक वो सुरक्षित ना हो जाए समाज के लिए और आपस में किसी तरीके का संक्रमण न फैले। इसके अलावा एक और मृत्यु हो गई है, वो उसको वेंटिलेटर पर मेडिकल कॉलेज पर प्राइवेट नर्सिंग होम से लाया गया था लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और वो फाइनली उसकी डेथ हो गई है। इसका बॉडी का हम लोगों ने जो फ्यूनरल किया है बहुत ही सारे प्रिकॉशंस लेकर के किए गए थे
वो भी दौड़ी धनात्मक मिला है, तो उनके संपर्कियों को हम लोगों ने ढूंढा और 61 ऐसे संपर्की आए हैं जिन्होंने उससे संपर्क कभी ना कभी किया था। उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं और उनको भी हम क्वारंटाइन कर देंगे। जांच पे जैसा भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से उनको उपचार दे दिया जाएगा।